तीजा जी महाराज कहीं बोले कि सूर ना देखे टीपनो और सुगने गिने नहीं सूर, अरे मरबाने मंगल गिनो मारे मुख माते चढ़ रहे हो नूर। वो जाट को बेटो तो जावेला सासरे। लीजिए साहब तेजा जी महाराज सासरे आ गए, लेकिन तेजा जी महाराज की सासू ने जैसे ही अंदर आए और सब गायें भैंसे चिमक गई उनकी, तो बोले रो किने काड़ो नाग खायो, वो गलत बोली सासू। उस वक्त में तेजा जी महाराज रीस कर रवाना हुआ तो तेजा जी महाराज की पत्नी पेमल की एक सहेली थी भक्तों गुजर जाति की, उस बच्ची का नाम था लाचा गुजरी। गुजरों का व्यवसाय है गायों का और भैंसों का पालन करना। तो वो तेजा जी महाराज को अपने घर पे ले गई, बोले तेजा जी महाराज गुस्सा मत करो, रीस मत करो, अब तो आपकी माँ के समान है, आप हमारे घरे पधारो। और आपने पेमल ने मैं सीख ये सुन। रात की 12 बज रही थी, तेजा जी महाराज अपनी पत्नी को नहीं रख रहे थे साहब, धीरी जिनी चांदनी बिखर रही थी। उसी वक्त उस लाचा गुजरी की गाया चोर ले गया। तेजा जी महाराज को रोते बिलखती वो लाचा गुजरी बोली कि हे तेजा जी महाराज, हे जाट का बेटा, मेरी सु नीचे आओ, मारी गाया चोर ले गया, मारी गाया ने बचाओ, मारी गाया ने लूट ले जाओ। अरे धन्य है रे वो जाटों का बेटा तेजा जी महाराज। भक्तों आजकल तो औलाद अपने माँ बाप का कहना नहीं मानती साहब, और वो तेजा जी महाराज 30 वर्ष बाद में अपनी पत्नी को देख रहे थे, लेकिन उन्होंने गौ माता को पहले समझा और अपनी नई नवेली दुल्हन को सेज पर छोड़ करके और अपनी लीलन घोड़ी को श्रृंगार करके साहब रवाना। रास्ते में काला नाग उसको जलते हुए देखा साहब, तो उसको बचा लिया। उस नाग ने बोला रे तेजा, मैं तेरी काया डस के बदल दूंगा, मैं तुझे डसूंगा, तुझे खाऊंगा। तो तेजा जी महाराज ने बोला नागदेव मुझे डसो मत, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपकी इस बंबी पर, आपकी इस नाग देवता की इस बिल पर आऊंगा, लेकिन पहले मैं गौ माता की रक्षा के लिए जा रहा हूं। एक अकेला जाट का बेटा, वन मैन आर्मी, 150 डाकों से भिड़ जावे सजनों, 149 की संख्या थी उन डाकों की। और मंडावरिया गांव की तलहटी में युद्ध हुआ, उस युद्ध में तेजा जी महाराज की काया जगह जगह से छलनी हो गई, जगह जगह से घायल हो गई और जगह जगह से साफ खून का टपका पड़न लग गया। लाचा गुजरी की गायें बचाई उन्होंने, बोले लाचा भाई ये पकड़ो थकी गाया, और ये जाट का बेटा तो कहां जाएगा अब, उस नाग देवता के पास। और सुनिएगा गौर से अब कि नाग देवता को जाकर तेजा जी महाराज ने क्या कहा। सूता अरे सूता नाग राजा वो, अरे थाने तो बुलावे बेटो जाट को, एड़ा कहीं सूता सूता नाग राजा, थाने तो बुलावे बेटो जाट को। नाग देवता चिर निंद्रा में सो रहे थे साहब, आए बारे, अरे बोले तेजा जी महाराज धन्य है जाटों के बेटे तू, कि तूने इस कलयुग में भी तेरा वचन निभाया, मैं तेरे से बड़ा खुश हूं तेजा, जा तुझे माफ कर दिया। अरे जा तेजा तुझे माफ कर, अरे काया नहीं डसू, मैंने नहीं डसनो भाई, मैंने नहीं डसनो, जा तू तेजा चला जाओ डस। अगर तेजा जी महाराज चाहते अपनी जिंदगी बचा सकते, अगर तेजा जी महाराज चाहता अपनी जीवन बचा सकता, लेकिन तेजा जी महाराज बोले नहीं नाग देवता, अगर आज आप मुझे नहीं डसोगे तो मेरी जाट जाति पर कलंक लग जाएगा, मेरी चौधरी समाज पर कलंक लग जाएगा। रे वो जाटों का बेटा उसने वचन नहीं निभाया, हे नागदेव मैं विनती करता हूं मुझे डसो, मुझे खाओ और मेरा उद्धार करो, मेरे बाबा मुझे डस लो। नाग देवता डसना नहीं चाहे और तेजाजी महाराज वचन चूक होना नहीं चाहे, दोनों में देखो बात सुनो ध्यान से, नाग देवता डसना नहीं चाह रहे उनको और तेजा जी महाराज वचन चूक नहीं होना चाहते हैं, वो डसवाएंगे। तो नाग देवता ने बहाना बना लिया नहीं डसने का। भक्तों नाग देवता की एक फितरत होती है, नाग देव कभी भी ना शरीर में जहां शस्त्र लगा होता वहां पर नहीं डसते, हमेशा कंवारी काया, कंवारी काया समझते हो, जहां कोई शस्त्र नहीं लगा हुआ, अभी मेरी हथेली है ये कंवारी कंवारी है, यहां वो डस लेंगे, लेकिन अगर मेरे लगी भी है तो वहां वो नहीं डसते हैं। तो नाग देवता ने एक बहाना बनाया, क्या बोला, कठी कमारी काया जी ने कठे तो मारू रे विसरो डंकड़ो। अरे सुरवी ए तेजा थारी काया से तो जगह जगह से खून पड़ रही हो, अरे बात जगह बता रहे तेजा जी, मैं डंक मारू तुम्हें खा सकू तुम्हें डस सकू। तेजा जी महाराज सब समझ गए कि नाग देवता मुझे डसना नहीं चाहते हैं। तब तेजा जी महाराज ने अंत में क्या बोला,
मरी जी बड़ली पे डंग। लड़ाई होती है ना भैया, पूरा शरीर भले ही छलनी हो जाओ लेकिन जीभ पर कोई शस्त्र नहीं लगता है। तो तेजाजी महाराज ने क्या बोला, मरी जी बड़ली पे डंक, अरे भरूनी नागिरा जाओ, अरे मारी हथेली में खाओ विसको डंकड़ो। राजदेव मेरी जिबिया कंवारी है, मेरी हथेली कंवारी है, चलो मुझे दसो। भक्तों भादवा सुदी दसवीं विक्रम संवत 1160 राजा करण के टेम सुबह के 5 बजे की टेम नाग देवता भला भला चले रहे, तेजाजी महाराज की जिबिया डसे और वो चाट को बेटो गाया रे वास्ते हस्तो हस्तो प्राणारो बलिदान दे देवे। इसीलिए ये गजेंद्र राज मेरा सबसे अधिक वीर तेजाजी महाराज की महिमा का बखान करता है। निवेदन करूंगा मेरी बात अच्छी नहीं सच्ची लगी तो मेरे बाबा की दिल से जयघोष करें एक बार आप बोलो सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की, बोलिए उस सती पेमल मात की। बहुत बहुत धन्यवाद।